स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ से अच्छा खासा पैसा इनकम किया जा सकता है। दो उपाय है यहाँ पे, या तो आप इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेड करके। अर्निंग कैसे कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने कोई स्टॉक परचेज कर लिया और उस स्टॉक को कुछ दिन तक तो होल्ड करा, फिर उसके वैल्यू इंक्रीज हो गए, सेल कर दिए, सेल करके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है बेसिकली, कि मार्केट सुबह ओपन हुआ, आपने कोई भी पोजीशन बनाया यानी कि बाय या फिर सेल कोई भी पोजीशन बना लिए, उसके बाद डे एंड होने से पहले पहले उसके रिवर्स पोजीशन बना लिए और उससे आपने जो प्रॉफिट अर्न कर लिया, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू आपके अर्निंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही आसान है और इसके थ्रू बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कशन करेंगे इसी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विथ मिश्रा जी, एंड आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे चैनल में आपको बेसिकली जो कैरियर रिलेटेड जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अभी तक कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैरियर स्टार्ट किया जा सकता है उसके रिलेटेड वीडियो होंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा आज का जो डिस्कशन है इसी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन रहेगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, एंड तक बने रहिए सो दैट आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेसिक जो गाइडलाइंस है वो मिल जाए। जिन लोगों ने मेरा चैनल आज पहले बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो बेल बटन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए सो दैट आने वाले दिन में जो भी मेरा वीडियो होगा उसका अलर्ट आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो डिस्कशन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या रूल है। मैंने कुछ रूल बनाया है, कुछ 18 रूल बनाया है, बेसिक बेसिक रूल है। उन रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा खासा इंट्राडे में अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है दैट इज डोंट ट्रेड इन द मिड्स ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी वो होता है कि मार्केट का उतार चढ़ाव, यानी कि डेली मार्केट कई बार नीचे जाते हैं, कई बार ऊपर जाते हैं। नॉर्मल जो बिगिनर्स होता है उनको लगता है कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट नीचे गए बाय कर लिए, ऊपर चले गए सेल कर दिए, प्रॉफिट हो गए, कितना आसान है। नहीं, वोलेटिलिटी में नुकसान के चांसेस आर वेरी हाई। सपोज मार्केट नीचे गए और आपने वहाँ पे बाय कर लिए, मार्केट वहाँ से रिकवर नहीं हुआ, फर्दर और नीचे चले गए, तो आपको लॉस जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो वोलेटिलिटी में कभी भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। सेकेंड रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपने जितने भी कैपिटल लेके मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि वो कैपिटल अगर आपके हाथ से निकल गए तो फर्दर आप ट्रेड करने के लिए कोई भी पैसा आपके पास बचेगा नहीं। तो उस कैपिटल को आप ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे। तीसरा रूल, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस वो होता है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें अगर आपके पोजीशन उल्टा हो गया आपसे, यानी कि आपके अगेंस्ट चले गए, तो किसी ना किसी एक लेवल में आपको मार्केट से एग्जिट करना है। वो आपको पहले से कैलकुलेट होनी चाहिए कि मार्केट में अगर पोजीशन आपके फेवर में है तो कब तक वेट करना, और अगर अगेंस्ट में चले गए तो कहाँ से आपको मार्केट को एग्जिट करना, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे। अगला रूल, जो रूल नंबर 4, दैट इज डिसाइड योर प्रॉफिट टारगेट। यानी कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं आपको पहले से प्रॉफिट टारगेट डिसाइडेड होनी चाहिए। प्रॉफिट टारगेट इसलिए डिसाइडेड होनी चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में आपको लॉस तो होगा ही, प्रॉफिट भी होगा। अगर लॉस और प्रॉफिट अगर मैं इक्वल रेशियो में चलूं तो मेरा ओवरऑल ट्रेडिंग कभी भी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है पहले से डिसाइड होनी चाहिए। नॉर्मली जो आइडियल टारगेट होती है दैट इज 3:1 और 2:1, यानी कि आपके विनिंग जो है वो
थ्री में जाएगा और लूजिंग जो है वो वन में जाएगा। यानी सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सपोज आपने कोई पोजिशन बनाया उसमें आपको 1,000 रुपये के लॉस हो गए, ठीक है। अगर अगले पोजिशन बनाया उसमें 1,000 रुपये के प्रॉफिट आया और आपने 1,000 रुपये प्रॉफिट में बुक करके निकल गए, हो सकता है वो प्रॉफिट और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा था, तो आपके हमेशा प्रॉफिट जो है वो 3 आना चाहिए और लॉस 1 में होनी चाहिए, कभी भी 1:1 होना नहीं चाहिए, तो आपके ओवरऑल प्रॉफिट कभी भी आएगा नहीं। तो इसीलिए आपके पहले से प्रॉफिट टारगेट डिसाइडेड होनी चाहिए, 3:1 या फिर 2:1, आप उसी हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। नंबर 5, डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ ऑन मार्जिन। इंट्राडे ट्रेड जो होती है यहाँ पे आपको एक टाइप के मार्जिन ट्रेडिंग है, यानी कि आपने एक अमाउंट ब्रोकर को जमा करा दिया, उसके अगेंस्ट ब्रोकर ने आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी है। नॉर्मली जो ब्रोकर्स आपको लिमिट प्रोवाइड कराते हैं वो 5 टाइम्स देते हैं, कई ब्रोकर है वो 10 टाइम्स तक भी देते हैं। यानी कि अगर सपोज आपने 1 लाख रुपए के मार्जिन जमा कराया तो आपको 5 लाख के ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर 10 लाख के पोजिशन आप बना सकते हैं। तो आप जितने के पोजिशन बना रहे हो उसमें लॉस का भी तो संभावना उतना ही है। अगर ज़्यादा मार्जिन यूटिलाइज करेंगे यानी कि अगर स्ट्रेच कर लेंगे तो आपको लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा एक लिमिट के अंदर ट्रेड करेंगे, कभी भी ओवर लिमिट नहीं जाएंगे। 6th रूल, अवॉइड द ल्यूर ऑफ टिप्स, यानी कि टिप के जो लालच है इसको आप अवॉइड करिए। मार्केट में टिप नाम के कोई चीज़ नहीं होता, मार्केट में आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करके अगर आप कन्विंस हुए तब जाके आप ट्रेड स्टार्ट करें। कभी भी किसी ने कुछ बता दिया कि ये स्टॉक ले लो, इस स्टॉक में आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, नहीं, आपके जो टिप के जो लालच है वो कभी भी उसमें पड़ना नहीं चाहिए, ऑलवेज आप खुद कन्विंस होंगे तो ही आप ट्रेड करेंगे। अगला जो 7th रूल, दैट इज लर्न टू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। कई बार मार्केट से बाहर बैठना भी फायदेमंद होता है, हमेशा मार्केट में घुसे रहना नहीं चाहिए, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश करना चाहिए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तब आप मार्केट में एंट्री करिए। तो मार्केट से बाहर बैठना भी आपको सीखना चाहिए। यहाँ पे 3 की डिसीजन होता है, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल और व्हेन टू सिट टाइट, यानी कि कब बेचना या फिर कब खरीदना या फिर कब आपको मार्केट से बाहर बैठना, ये आपको लर्न करना चाहिए। ये अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप समझ लीजिए कि 80% जो वर्क जो है आपका डन हो चुका है। 8th नंबर रूल, रिकॉर्ड योर विन ओवर लॉस, यानी कि एट द एंड ऑफ द मार्केट, एंड ऑफ द डे आपको कैलकुलेशन जरूर होनी चाहिए और वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए कि आपने कितना ट्रेड करा, उसमें आपके कितना पोजीशन विनिंग में गए, कितना पोजीशन आपको लूजिंग में गए, ये सारे अगर रिकॉर्डेड होता है तो अगले दिन में ट्रेड करने के लिए आपको डिसीजन लेना आसान होता है, तो कौन सा काम आपको करना है कौन सा काम नहीं करना। तो ऑलवेज रिकॉर्ड योर विन ओवर लॉसेस। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 9, दैट इज डोंट एवरेज योर ट्रेड। ये पाप है, यानी कि आप कभी भी अपने ट्रेड को एवरेज मत करिए। कई बार होता है आपने सपोज एक पोजीशन बना लिए और वो पोजीशन आपके अगेंस्ट में चले गए, सपोज आपने बाय करके स्टार्ट किया, मार्केट नीचे चले गए, नीचे जाते ही आपको लगा नहीं मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और परचेज कर लेते हैं, और मार्केट नीचे चले गए और परचेज कर लेते हैं, तो आपने एवरेज करते रहे, आपको लगा क्या एवरेज कर लेता हूँ, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा रिवर्स होगा तो मेरा सिचुएशन जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कभी नहीं होता। तो मार्केट में कभी भी एवरेज आउट नहीं करनी चाहिए, इसको पाप माना जाता है। यानी कि आपको हमेशा ट्रेड अगर अगेंस्ट में पड़ गए तो आप वहाँ से स्टॉप लॉस बुक करिए और मार्केट से निकल जाइए, फिर आप सोचिए समझिए फिर अगला ट्रेड आप करिए, तो कभी भी आप एवरेज आउट नहीं करेंगे। अगला जो 10th नंबर रूल है, दैट इज कीप ए टैब ऑन न्यूज। मार्केट का जो न्यूज फ्लो है उसका खबर आप जरूर रखेंगे कि क्या खबर चल रहा है, मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, क्योंकि न्यूज के ऊपर भी मार्केट मूव करता है, हमेशा न्यूज न्यूज के साथ आपको रिएक्ट करना चाहिए, तो ऑलवेज टैप ऑन न्यूज। 11th रूल, नो द कंपनी यू आर ट्रेडिंग, यानी कि जिस कंपनी के शेयर आप ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, उसका बिजनेस क्या है, उसके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप उस कंपनी में ट्रेड करिए।
अगला जो 12 नंबर रूल है, लर्न टू कैच द मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि मार्केट किस तरह मूव करेगा, उसको अगर आप वो कैच करना आगे तो यू आर द बॉस। यानी कि मार्केट मोमेंटम आपको समझना सख्त जरूरी है। कई बार होता है मार्केट एक लेवल में जाके सेचुरेटेड हो गए, वहाँ से मार्केट इधर उधर हो रहा है, उसके बाद धीरे 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 एकुमुलेट होके मार्केट मोमेंटम गेन कर रहा है। वो आइदर साइड नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, अगर वो मोमेंटम आपने कैच कर लिया तो। इसमें आपको क्या हेल्प करते हैं, कुछ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो डेटा होता है सॉरी वो डेटा आपको हेल्प करता है। उन डेटा को आप एनालिसिस कर लीजिए, उसको अगर एनालिसिस करना आगे तो मार्केट के मोमेंटम जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो 13 रूल है, नेवर पैनिक व्हेन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आप कभी भी पैनिक मोड में नहीं आएंगे। कई बार आपके ट्रेड लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्टॉप लॉस तो आपके पास है ही, अगर लॉस हो गए तो पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं। हो सकता अगला ट्रेड आपको प्रॉफिट में दे जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए, क्यों पैनिक करेंगे? पैनिक कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपके प्रॉब्लम को और जो है वो बढ़ाता है। तो नेवर पैनिक। अगला जो 14th रूल है, डोंट रिग्रेट ओवर लॉस। कई बार लॉस हो जाते हैं तो हम ज़्यादा पछतावा करते हैं कि ये काम अगर नहीं करते तो लॉस नहीं होता, वो करते तो प्रॉफिट हो जाता, क्या फायदा इसको? जो हो चुका है, उसको अगर आप रिग्रेट करते रहे तो आप अगला ट्रेड करने के लिए आपके पास मानसिक स्थिति जो है उस कंडीशन में होगा नहीं। पुराना भूल जाइए, अगला ट्रेड देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर अगला ट्रेड के लिए हम मार्केट में जाते हैं। तो डोंट रिग्रेट ओवर लॉस। 15th रूल, स्टिक इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही स्टिक रहिए, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करिए। नॉर्मली ट्रेडर क्या गलती करते हैं, पोजीशन जैसे ही उनके अगेंस्ट में चले गए, थोड़ा सा लॉस हो गए, तो वो क्या करते हैं, अगले दिन के लिए कैरी करके लेके चले जाते हैं। अगले दिन कैरी करना और भी ज़्यादा खतरनाक है, उसका रिस्क आपको मालूम है? रात को पता चले इंटरनेशनल कोई बैड न्यूज आ गए, जिसके वजह से आपको अगले दिन और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज के लॉस होने के रीजन ही ये है कि अगले दिन कोई और बैड न्यूज आने वाला है, तो आपको लॉस और एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही स्टिक रहेंगे। 16 नंबर रूल, डोंट वेस्ट टाइम ओवर कैलकुलेटिंग हाई एंड लो। नॉर्मली जब मार्केट में कोई भी ट्रेडर आता है, वो सबसे पहले देखते हैं मार्केट जो स्टॉक जो है आज कितना ऊपर गया, लो क्या बनाया, फिर वो डिसाइड करते हैं। उससे क्या फायदा है? हाई करने के बाद नया हाई नहीं बन सकता क्या? एक बार लो करने के बाद नया लो नहीं बन सकता क्या? तो उसमें हमें अगर कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करेंगे तो मार्केट का मोमेंटम मैं कब चूज करूंगा, मार्केट को मैं रीड करके कैसे एंट्री करूंगा, इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, हाई लो देखने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट किस तरह मूव कर रहे हैं वो आप पहले कैलकुलेट करिए और उसी तरह आप चल पड़िए। अगला रूल 17 नंबर रूल, नेवर ट्राई टू रिकवर लॉस। बहुत अहम रूल है, बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहता है कि पिछला इतना लॉस हो गया, उसको किसी भी तरह मैं कवर करूं। ऐसा अगर सोच रखते हैं तो आप कभी भी इंट्राडे ट्रेड मत करिए। जो लॉस हो गए, आपको देखना है उससे क्या आपने सीखा और अगला ट्रेड आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट में आए। तो कभी भी पुराना लॉस रिकवर करने का कोशिश मत करिए, आप लेसन लेते हुए ट्रेड करते जाइए, आपको जरूर प्रॉफिट में आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करा ये सारे रूल तो आपको जरूर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो यही मेरा 18 नंबर रूल है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इन सारे चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अंदर परफेक्टनेस आएगा ही आएगा। इट इज़ योर डिसिप्लिन एंड योर रिस्क मैनेजमेंट और योर परफेक्टनेस जो आपको आगे जाके सक्सेस दिलाता है। एक चीज याद रखिए कि देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस। सक्सेस का कोई रॉयल रोड नहीं है, बट आफ्टर सक्सेस एवरी रोड बिकम्स रॉयल। सक्सेस पाने के बाद सारे के सारे रोड जो है वो रॉयल अपने आप बन जाता है। तो मैंने आज जितने भी टिप्स दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर
आप काम करते रहिए, इंट्रा डे में इतना पैसा कमाया जा सकता है यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत पैसा इंट्रा डे में कमाया जा सकता है। तो आई होप कि मेरा आज का जो वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जिनको आप लगता है कि इस वीडियो से उनको बेनिफिट हो सकता है। प्लस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर प्रेस करिए, इससे मोटिवेशन लेवल बना रहता है। और आने वाले दिन में आप कमेंट जरूर करिए नीचे कि और किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, सो दैट मैं उसके ऊपर वर्क करूं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।